खबर पवई से है, जहां पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया को जमानत मिल गई है। उन्हें उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। दरअसल 2.5 महीने से वो जेल में बंद थे और आपको बता दें कि ये पूरा मामला उनके एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किए गए विवादित टिप्पणी को लेकर था, जब उन्होंने अपने आवेश में आकर अपने बयान में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से उन पर FIR दर्ज हुई थी, जिसकी वजह से वो जेल में बंद थे। अब उन्हें जमानत मिल गई है। अधिक जानकारी के साथ अनूप शुक्ला जुड़ गए हैं सहयोगी। अनूप, जिस तरह से उन्हें जमानत मिल गई है, जाहिर है कि उन्होंने जब इस तरह के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, ये वही मामला है जहां तक अगर मैं सही हूं तो। अब आगे क्या कुछ कहना था उनका? जी बता दें दीपक जी कि आज उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय द्विवेदी जी की पीठ द्वारा आज उनको जमानत दी गई है और अभी उनको फिलहाल जो पवई उप जेल में बंद है और उनको जेल से निकलने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। जी दीपक जी, बिल्कुल ये वही मामला है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की थी। जी 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 दीपक जी, ये वही मामला है जिस पर लगभग 2.5 महीने तकरीबन होने जा रहे हैं, जो पवई में उनके द्वारा एक विवादित बयान सामने आया था प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या के लिए, ये वही मामला था। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल उनके 1 या 2 दिन में जमानत के प्रोसेस में जो वक्त लग गया, उसके बाद उनकी रिहाई हो जाएगी, जमानत उन्हें मिल जाएगी। जाहिर है कि उन्होंने एक अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उन पर ये मामला दर्ज हुआ था।